रियाज करने का सही वक्त क्या है? किस समय रियाज करें जिसका असर सबसे ज्यादा होगा? पूरे दिन में कब रियाज करें? ये कुछ कुछ सवाल हैं जो आप ही जैसे म्यूजिक लर्नर्स के हैं, म्यूजिक जो सीखना चाहते हैं, जो सीख रहे हैं, उनके ही सवाल हैं कि किस समय रियाज करना चाहिए, किस वक्त हमें प्रैक्टिस करने बैठना चाहिए, हमारा गला कब अच्छा होगा अगर हम उस समय रियाज करें तो। तो आइए जानते हैं कि इस सवाल का क्या जवाब है और क्या एक्सप्लेनेशन है कि उसी समय करना चाहिए और उसी समय बेहतर होगा और किसी और समय करेंगे तो नहीं होगा। क्या इसका जवाब है, पूरा वीडियो देखिए और जानिए। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। काम की बात मैंने की ही नहीं, काम की बात मैंने की ही नहीं, ये मेरा तौरे जिंदगी ही नहीं, काम की बात मैंने की ही नहीं। तो काम की बात मैंने कभी की ही नहीं, ये मेरा तौर है जिंदगी ही नहीं, जिंदगी जीने का ये मेरा तौर, ये मेरा तरीका है ही नहीं, मैं काम की बात करता ही नहीं। जॉन एलिया साहब का ये एक शेर था, उन्हीं की गजल का मतला है ये, कंपोजिशन मेरी है और जल्द आप सुनेंगे इस चैनल पर इस गजल को। तो आइए शुरू करते हैं फिर उसी टॉपिक को जो मैंने अभी आपको हिंट किया था, जिसके बारे में मैंने बताया था कि रियाज करने का वक्त जो है वो कौन सा सबसे बेहतर होता है। शास्त्रों में कह लो या फिर हमारे गुरुजनों का तजर्बा कह लो, वो सब यही कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में रियाज करना चाहिए, यानी कि सूर्य उदय से पहले, यानी कि मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग रियाज करना चाहिए। और ऐसा ही मैं भी आपको हिदायत यही दूंगा और मुझे भी यही हिदायत मिली है मेरे गुरु से, मेरे दादा गुरु से। सभी लोगों ने यही कहा है कि अगर रियाज करना है तो वही समय है। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उसे, अमृत वेला कहते हैं उसे, है ना, अमृत वेला कहते हैं उसे, कि उस समय अमृत बरसता है, ये समझ लीजिए। आपने ये सुना होगा कोई आपको, आपके माता पिता अगर पढ़ने के लिए भी कहते थे तो कहते थे भैया सूर्योदय से पहले पढ़ो, वो काम उस समय किया हुआ, कोई भी काम असफल हो ही नहीं सकता उस समय, कोई भी किया हुआ रियाज हो, अभ्यास हो या आपका कोई भी एक्सरसाइज हो, वो उसी समय कीजिए, फिर देखिए वो कितना फलित होता है और आप कितने आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं सब, क्या है उस समय में ऐसा, इन्वायरमेंट ही कुछ अलग होता है उस समय। ये समझ लीजिए सब लोग सो रहे होते हैं तो एक शांति होती है सबसे पहली बात तो, और एक अभी सूर्य उदय हुआ नहीं है, वो ऐसा टाइम है जो आप अगर उसकी हवा भी बाहर जाके लेंगे तो आपको महसूस होगा कि कितना पवित्र वातावरण है, कितना शांत वातावरण है, और अपने आप, और वो समय है जब आपने दिन शुरू किया है, अभी अभी आप उठे हैं और कोई भी नहीं उठा है, मतलब जो साधना कर रहे हैं वो साधक सिर्फ वही उठे हैं, है ना, आप उठे हैं, गला भी आपका एकदम रॉ है, एकदम नेचुरल है, आपने अभी तक ना चपड़ 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 करके पूरा दिन नहीं गुजारा है, बातों में, चिल्लाने में, ये करने में, वो करने में, कुछ नहीं किया, अभी शरीर भी एकदम ताज़ा है, गला भी एकदम ताज़ा है, तरोताज़ा ये वक्त है। और इसी समय जब आप साह लगाएंगे, अपने स्वरों को फैलाएंगे, तब देखिए कि बात ही अलग होती है, जो वॉइस है वो साइंटिफिक वे में भी आपकी डेवलप होती है। उस समय रियाज करना मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बातों का है या सिर्फ एक्सपीरियंस का, नहीं, साइंटिफिक है कि उस समय गले में कुछ, जब ये एक्सरसाइजेस आप करते हैं तो अलग डेवलपमेंट होता है, बनिस्बत कि आप दोपहर या शाम में या कभी और करेंगे, उस समय करेंगे तो अलग डेवलपमेंट होगा। दूसरी चीज, भैरव का रियाज, सभी लोग कहते हैं कि आप दूसरी किसी राग का रियाज मत कीजिए, दूसरी सभी रागों का सिर्फ आपको चलन एक बार देख लेना है, रियाज जो है वो सिर्फ भैरव का होता है। सवेरे जब आप भैरव का रियाज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो स्वर बैठ जाते हैं, वो हर स्वर का ज्ञान आपको होता है उस समय। आप कहेंगे कि भाई मैं तो तीव्र मध्यम का रियाज किया ही नहीं, तो तीव्र मध्यम मेरा कैसा लगेगा,
और या फिर मेरा कोमल गंधार कैसे लगेगा, क्योंकि भैरव में तो लग ही नहीं रहा है, शुद्ध ऋषभ कैसे लगेगा। तो ये सारे सवाल भी आते हैं कि सिर्फ भैरव का रियाज क्यों करूं मैं, सवेरे ही करूं, है ना, मैं शाम में यमन का कर लूं तो, मैं दोपहर में कर लूं किसी और राग का तो क्या फर्क पड़ जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि तीव्र मध्यम का रियाज अलग से करना है, शुद्ध ऋषभ का रियाज अलग से करना, नहीं। सवेरे जब आप रियाज कर रहे हैं तो एक एक स्वर, भले वो रिध कोमल ही लग रहा है, लंबा लंबा जब जा रहा है तो वॉइस ठीक हो रही है, स्वर जो है वो वहां बैठ रहे हैं दिमाग में। उसके बाद आप अगर किसी और राग को लेते हैं तो सिर्फ उसका चलन आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा यमन है तो ऐसे ऐसे जाता, ऐसे ऐसे जाता है, ये इसकी स्वर संगतियां हैं, ऑटोमेटिकली वो स्वर आपके लगेंगे। और क्या होगा कि उसका फिर आपको सिर्फ चलो एक बार अलंकार इसमें दो तीन बार दोहरा लिए, अपने आप वो स्वर बैठ गए दिमाग में, क्योंकि गला तो आपका तैयार हो गया ना सवेरे। जब एक बार गला तैयार हो गया, उसके बाद कोई सा भी राग हो, उसके स्वर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ स्वर ही देखने हैं और चलन ही देखना है कि हाँ ये तो ऐसे ऐसे लगेंगे। बेसुरे आप होंगे ही नहीं क्योंकि आपने सवेरे का किया है। और उसको कंटिन्यू रखिए, देखिए वो मतलब उसका तो कोई तोड़ नहीं, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है अगर आप सवेरे का रियाज करते हैं तो रियाज करने का सही वक्त सिर्फ एक ही है, वो है अर्ली मॉर्निंग, 4 से 7 के बीच का समय जो है वो है, सूर्य उदय से पहले का समय है वो है। उस समय अगर आप रियाज करते हैं तो सब कुछ बेहतर है, आवाज भी बेहतर है आपका। अगर हारमोनियम का भी करना चाहें, आप कथक का भी करना चाहें, आप अगर तबले का भी करना चाहें, हम अगर ये है कि तबले का कथक का रियाज करने में अगर शोर ज्यादा होता है तो थोड़ा ऐसी जगह करें जहाँ थोड़ा साउंड प्रूफिंग हो, है ना। और बाहर बाहर जाके रियाज नहीं करना है आपको, आप ये सोचें कि मैं नदी किनारे जाके रियाज कर लूँ या फिर आप किसी बागीचे में जाके रियाज कर रहे हैं गार्डन, नहीं ऐसा कुछ मत कीजिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन्वायरमेंट अच्छा है, माहौल अच्छा है बाहर का, लेकिन ठंडा भी है क्योंकि सवेरे का टाइम होता है, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो जो सांस है वो धूल मिट्टी या कुछ भी ऐसा अंदर जाए हमारे, है ना। क्योंकि हम जहाँ रियाज करते हैं वो काफ़ी साफ जगह होनी चाहिए हमारे लिए, कोई भी धूल मिट्टी कंकड़ गंदी वायु कुछ भी हमारे अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनहेल का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सांस लेंगे, प्राणायाम का काम है ये, है ना, तो वो नहीं करना है, है ना। इसीलिए अंदर बैठें, अपने कमरे में करें रियाज, और अच्छे साफ सुथरी जगह पर रियाज करें, है ना, और सवेरे ही करें, और कोई इसका ऑल्टरनेट नहीं है, सवेरे ही सा लगाना है, लंबे लंबे स्वर, और फिर भैरव में अलंकार कीजिए तानपुरा लगाकर, रे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा। लंबे लंबे स्वर लगाइए इनमें एक एक करके, फिर धीरे धीरे लय बढ़ाइए। और भी काफी सारी चीजें हमारे WhatsApp से जुड़ी हैं, वहां आपको ऑनलाइन क्लास में मालूम चलेगा। हमारी मॉर्निंग वोकल रियाज की प्लेलिस्ट देखिए, उसमें बहुत सारी है, मैं सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप पता कर सकते हैं कि क्या क्या रियाज करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करने से क्या क्या बेनिफिट होगा। अलंकार हो, लंबे स्वर हो, रेंज बढ़ाना हो, बेस लाना हो, पंच चाहिए वॉइस में, वो सारी चीजें उससे डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही देखें संगीत प्रवाह वर्ल्ड के वीडियोस और जानें कि सवेरे ही रियाज करना होता है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, स्वरांगनी खरीदनी है, कुछ भी करना हो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। शुक्रिया।